झज्जर जिला पुलिस के लिए चुनौती बने गांव आसोदा के डबल मर्डर व बादली के लोट निवासी रोहित हत्याकांड का पर्दाफाश हो गया है। इस मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने इन दोनों ही हत्याओं में शामिल अभिषेक नामक एक व्यक्ति को काबू किया है। अभिषेक ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर आसोदा गांव नरेश, संजय व अनिल पर उस समय ताबड़तोड़ फायरिंग की थी जब वह एक दुकान पर बैठे हुए थे। बदमाशों की इस फायरिंग में नरेश व संजय ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि अनिल गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे बाद में उपचार के बाद चिकित्सकों द्वारा बचा लिया गया। पुरानी रंजिश के चलते किए गए इस डबल मर्डर के सभी आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे। डाबोडा गांव के इस डबल मर्डर को अंजाम देने से पहले जिले के ही बादली सब डिवीजन के गांव लोहट वे देवरखाना के बीच रोहित नामक एक युवक की भी कार में सवार होकर आए बदमाशों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। दोनों ही मामलों में आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस को गच्चा देने में सफल हो गए थे। दोनों ही मामले पुलिस के लिए चुनौती बन गए थे। हालांकि आसोदा के डबल मर्डर में पुलिस ने नामजद पर्चा भी दर्ज कर रखा था, जिसमें आरोपियों में शामिल इसी गांव का अभिषेक भी था, लेकिन लोहट हत्याकांड में पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग पा रहा था। पुलिस को इन दोनों ही मामलों में उस समय उम्मीद की किरण जगी जब पुलिस को पता चला कि दोनों ही हत्याकांड में आरोपियों ने एक ही कार को इस्तेमाल कर रखा था। ये कार बाहरी दिल्ली से छीनी गई थी और दोनों वारदातों को अंजाम देने के लिए इस कार का सहारा लिया गया। बीते दिन इन दोनों ही मामलों का खुलासा एसपी कार्यालय में करते हुए एएसपी विक्रांत भूषण व डीएसपी राहुल देव शर्मा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दोनों मामलों को सुलझाने के लिए पुलिस ने आधा दर्जन नाके लगा रखे थे और अपराध शाखा निरंतर पेट्रोलिंग कर रही थी। पुलिस ने झज्जर से लेकर बादली सब डिवीजन मुख्यालय तक 17 सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर एक संदिग्ध कार की सीसीटीवी फुटेज भी सार्वजनिक की थी, लेकिन गत दिवस अपराध शाखा की पकड़ में आए अभिषेक की गिरफ्तारी के बाद दोनों ही हत्याकांड से रहस्य का पर्दा उठ गया। आरोपी अभिषेक उर्फ काला के कब्जे से एक अवैध हथियार भी बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर उसे रिमांड पर लिया है। रिमांड पर पूछताछ के दौरान पुलिस को अभिषेक से अन्य कई संगीन वारदातों का खुलासा होने की पूरी उम्मीद है। पता है कि सब डिवीजन बादली में पिछले दो तीन हफ्तों में कुछ हाई प्रोफाइल मर्डर केसेस हुए थे, तो इसको देख के एसपी साहब ने क्राइम के नाके लगाए थे। बहादुरगढ़ और सब डिवीजन बादली में हमारे 6 नाके एक्टिव थे और सीआईए की पेट्रोलिंग चल रही थी। तो कल पेट्रोलिंग के दौरान सीआईए 1 बहादुरगढ़ ने एक आदमी को अप्रीहेंड किया है। उससे एक कंट्री मेड वेपन हमें बरामद हुआ है, उसका नाम हिमांशु उर्फ काला। जब इससे पूछताछ की तो हमारे 2 हाई प्रोफाइल मर्डर केस, एक जो असोदा में एक जो बादली गुहाट में हुआ था, वो ट्रेस आउट हुए हैं। जो असोदा का डबल मर्डर था जिसमें संजय और नरेश की डेथ हुई और अनिल घायल हुआ, उसमें ये हिमांशु उर्फ काला प्राइम अक्यूज है। और बाकी अक्यूज के भी इसमें नाम आए हैं जो कि मैं बता देता हूँ। एक तो सुमित उर्फ कालू है, मिथिन उर्फ बिहारी है, हिमांशु उर्फ काला जो कि कल आर्म्स एक्ट में हमने दिया है, और सागर सन ऑफ सुधीर जो कि रेजिडेंस ऑफ फिरोजपुर बांगला पीएस है। जब हमें असोदा वाले मर्डर में जब हमने तफ्तीश की तो हमें पता लगा कि उसमें एक एक्सयूवी 300 यूज हुई है व्हाइट कलर की, और यही एक्सयूवी 300 जो बादली का मर्डर हुआ था, बादली में लोहाट में रोहित नाम के व्यक्ति का जो कि डेंटिंग कंपनी का काम करता है, उसमें भी यूज हुआ है। इसमें काफ़ी ज़्यादा हमने टेक्निकल सर्विलेंस साइबर से मेहनत से डीएसपी जिनके अंदर एसआईटी गठित हुई है उन्होंने काम किया है, तो मैं डीएसपी से अनुरोध करूँगा इसके बारे में। जैसा कि आपको पता है कि रोहित मर्डर केस हुआ था, जो लोहाट का निवासी था, बादली एरिया के अंदर ये मर्डर हुआ था। इसके अंदर हम वर्कआउट कर रहे थे, हमने तकरीबन 17 सीसीटीवी फुटेज झज्जर से लेकर बादली तक की हमने सीसीटीवी फुटेज ली थी। तो उससे हमें ज्ञात हुआ कि एक गाड़ी एक्सयूवी 300 व्हाइट कलर, ये उसका पीछा कर रही थी मोटरसाइकिल पे, तो वो हमारी सस्पेक्ट उसमें आ गई थी कि ये सस्पेक्ट गाड़ी है। तो हमने क्या काम करा, एक्सयूवी 300 की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, पूरे झज्जर की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, दिल्ली की और हरियाणा में जितनी भी सेल परचेज हुई थी उनका हमने डाटा कलेक्ट करा, जो काफी लंबी एक्सरसाइज थी। उसमें हमें एक गाड़ी ऐसी मिली जो दिल्ली से स्नैच हुई थी, हमारा याकूबपुर का एक निवासी था, मैं नाम ओपन नहीं करना चाहूंगा, उसकी दिल्ली में स्नैच हुई थी, थाना रनोला में उसका मुकदमा दर्ज हुआ था।